हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। सुनने स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले जो राजस्थान के एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाई कोर्ट, LDC, जितने भी राजस्थान के, उनमें आपको 100% हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी जो भी जिले बची हुई है। बीकानेर की हो गई, जोधपुर की, भरतपुर की, अलवर की, भरतपुर की, डूंगरपुर, गंगानगर, सिरोही, जितनी भी है, उनको हम ट्रिक के माध्यम से एक ही बार में देख लेते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बीकानेर की जिले। सबसे पहले तो बीकानेर की ट्रिक है गज का। दोस्तों, इस ट्रिक को 10 से 12 बार पढ़ लेना, जिससे आपको ये कंठस्थ हो जाएगी, जिसमें आपको तुरंत एक शब्द भी पकड़ में आ गए ना दोस्तों, तो तुरंत याद हो जाएगी। जैसे गज का कोल, कोल बिका, तो गज का कोल बिका, तो इसमें आपको गजनेर झील मिल जाएगी। कहीं भी भाई ऑप्शन में दिए हुए गजनेर झील कहाँ पे पड़ती है, तो आपको तुरंत याद हो जाएगी गज, गज से गज का कोल बिका था, तो कहाँ बिका था, बीकानेर बिका, तो गज का कोल बिका, तो गज से हो जाएगा गजनेर झील, कोल से हो जाएगा दोस्तों कोलायत झील, और बिका से हो जाएगा बीकानेर में पड़ती है। तो गजनेर झील, कोलायत और ये दोनों बीकानेर में पड़ती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग है जोधपुर की। इंटरेस्टिंग है जो सर का बाल, जोधपुर की ट्रिक है जो सर का बाल है। तो ये तो नॉर्मल बात है कि सर का बाल है तो है, तो उसमें हो जाएगी जो से, तो हो जाएगा दोस्त जोधपुर, सर से हो जाएगा दोस्तों सरदार संबंध झील, बाल से हो जाएगा या का से हो जाएगा कायलाना झील, बाल से हो जाएगा बाल संबंध झील। तो जो सर का बाल है, जो से हो जाएगा जोधपुर झील, सर से हो जाएगा सरदार संबंध झील, का से हो जाएगा कायलाना झील, बाल से हो जाएगा बाल संबंध झील। तो ये हो गई दोस्तों जो भी जोधपुर की झीलें हैं वो सब। भरतपुर और अलवर की झीलों को याद करने की ट्रिक दोस्तों, आलसी मोती भर, ये दोनों की मिक्स ट्रिक है, भरतपुर और अलवर की। आलसी मोती भर, जैसे आलसी से तो हो जाएगा दोस्तों, आलसी में तो आल से तो हो गया अलवर, आल से हो गया अलवर, और सी से हो जाएगा सिलिसेट, सिलिसेट झील। तो आल से तो हो गया अलवर और सी से हो जाएगा सिलिसेट। मोती से हो जाएगा मोती भर, मोती से तो हो जाएगा मोती झील, और भर से हो जाएगा दोस्तों भरतपुर। तो ये हो गई भरतपुर और अलवर की। वैसे ही डूंगरपुर की हो जाएगी दोस्तों। इंटरेस्टिंग है डूंगरपुर की भी। डूंगरपुर की है गेप या गेव सागर। इसको याद करने की ट्रिक है डूंगर में गेप। अब डूंगर में गेप है तो डूंगर से तो हो जाएगा डूंगरपुर, और गेप से हो जाएगी गेप झील या गेवसी, गेव सागर झील। गंगानगर की दोस्तों, गंगानगर में है बुड्ढा जोहर झील। बुड्ढा जोहर झील से इसको याद करने की ट्रिक है बुड्ढा गंगा, बुड्ढा गंगा, बुड्ढा गंगा से, बुड्ढा से बुड्ढा जोहर झील, और गंगा से हो जाएगा गंगानगर। सिरोही की याद करने की ट्रिक है दोस्तों, नक्की झील है सिरोही में, तो इसको याद करने की ट्रिक है कि सर पर सबसे ऊंची नाक, सर पर सबसे ऊंची नाक, तो सर पर सबसे ऊंची नाक है, तो सर से हो जाएगा सिरोही। सबसे ऊंची से मतलब है सबसे ऊंची झील है ये, और सबसे गहरी झील भी यही है। सबसे ऊंची झील और सबसे गहरी दोनों झील यही है। नाक से हो जाएगा दोस्तों नक्की झील। तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से एक भी याद हो गई तो ऐसे समझ लो कि ये सब याद हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये झीलें यहीं कंप्लीट होती हैं। तो जो वीडियो पिछले वाले नहीं देखे झीलों के, वो ज़रूर देख लें, जिसको आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद।